बुखारी और रफाई साहब का मज़ार मुबारक है जो इस जगह पर पिछले 45 साल से उन्होंने एक ही जगह पर बैठ के इबादत की है और उनका विसाल 21 सितंबर 2001 के अंदर हुआ और उसी जिस जगह पे इस उनका मज़ार है उसी जगह पे वो आराम फरमाते थे और आज 19वां उनका उर्स इस वक्त हम कर रहे हैं। अल्लाह सुबहान तआला इनके तुफैल में हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति कायम करे। जो भी गलतियाँ गलतफहमियाँ लोगों में हैं अल्लाह सुबहान तआला इनके बाद समय में दूर फरमाए। जितने इस वक्त बीमार है अल्लाह सुबहान तआला उनको शफा खुली अता फरमाए। जो भी रोजगार नौकरी दे अल्लाह तआला उनके दिल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तआला जबरदस्त कर्ज दूर फरमाए। हम सब मिल के दुआ करते हैं सब के साथ में। यहाँ पे कोई मजहब मिलत का फ़र्क नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग हर मजहब और मिलत के अफराद यहाँ पे शरीक कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह सुभान व तआला उनकी दुआएं जायज़ में उसको कबूल फरमा। ये हमारी दुआ है सबसे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आलम था कि कभी खाने को मिलता कभी नहीं मिलता। कभी जंगलों में 40-40 दिन तक आप ऐसे जिक्र करते कि कई दिन खाने को मुयस्सर नहीं आया। कभी पानी पिया तो ये खाना नहीं मिला, कभी खाना मिला तो पानी नहीं। इतनी मेहनत से उन्होंने ये दरबार को सजाया है और ये आपके पर्दा करने को समझो 19 साल आज पूरे हो गए हैं। उसकी खुशी में ये जुलूस और संदल हम मनाते हैं। ये बुज़ुर्ग ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ सच्चे दिल से इनके पास आया, कभी भी वो मुराद खाली लेकर नहीं गया। यहाँ से कुछ ना कुछ वो लेकर ही गया। ये ऐसे बुज़ुर्गान दीन है। और ये सब जो फुकरा दूर दूर से आते हैं उनके सिलसिले के फुकरा है। ये अपने बेचारे बहुत मेहनत से आपका सन्मान करते हैं और यहाँ कोई चंदा ये ऐसा वैसा क्या भी नहीं होता। इसकी ट्रस्ट है मोहम्मद शफी साहब, ये पूरा इसका निज़ाम चलाते हैं। और कुछ थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे अपने तौर से इस सन्दल की मदद करते हैं, बाकी इसका कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ कोई भी मुराद या इसकी दुआ पूरी होती है। फैज मिलता है। शुक्रिया।
लाओ।